बीपी दी प्रॉब्लम हो क्यों रही है, कारण की है। बच्चे दा पैदा होंदिया ही रोना ते पैदा होंदिया ही ना रोना। अगर बच्चा रो पैंदा है ता उदी वो बच्चा प्रॉपरली बिल्कुल ठीक होंदा है, और जे वो नहीं रोंदा ता ये समझ लो कि सारी उम्र दा माँ बाप लई रोना पल्ले पै गया, क्योंकि वो जिहड़ा ना रोना बच्चे दे अंदर ऐसे ऐसे सिस्टमां नूं ब्लॉक कर दिंदा है, जाम कर दिंदा है, डिसऑर्डर कर दिंदा है कि बच्चा पूरी जिंदगी चलण दे विच, उठण बैठण दे विच, बोलण दे विच, देखण दे विच, समझण दे विच, हर एक दे लई वो जिहड़ा है डिसेबल हो जाए। खास करके जो साढ़े अज दे डॉक्टर नर्सस ने जो कि डिलीवरी कराते ने, उन्होंने एक गल का खास ध्यान रखना जरूरी है कि जदों बच्चा तुसीं गर्भ दे विच्चों बाहर उठाते हो तो 5 तो लैके 10 सैकेंड दे तो पहले पहले बच्चे नूं रवाना जरूरी है, चाहे वह किस तरीके ना रवाया जाए। अजकल जिहड़े बच्चे पैदा हो रहे ने, जिन्नियां भी डिलीवरीज हो रही ने, तकरीबन बच्चे जिहड़े ने सीपी नाल ग्रस्त पैदा हो रहे। देखो डॉक्टरों नूं मैं एक हाथ जोड़ के बेनती करना चाहवागा कि कदे भी अगर अगर जिहड़ा डिलीवरी नॉर्मल होण वाली है तो उन्हूं नॉर्मल करो, कुदरत दे नाल कदे भी छेड़छाड़ जिहड़ा है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुदरत बड़ी बलवान है। जदों आपां जानबुझ के किसी चीज़ नूं छेड़दे हाँ सिर्फ पैसों के लालच पिछे, तो आने वाले समय च यही पैसा तुहाडा दुश्मन बन जाए, क्योंकि नवे बच्चे जिहड़े नर्सस ANM GNM सीख रहे ने उन्हां दे पास अजे उन्ना अनुभव नहीं हुंदा जिन्ना एक दाई कोले। और माँ नूं भी चाहिए कि अपने बच्चे नूं घट्टो घट 5 साल तां दुध जरूर पियावे, और जिहड़ा बच्चा 1 साल दुध पींदा है उन्हूं 10 साल तक किसी दवाई की लोड़ नहीं पैंदी, कोई उन्हूं रोग नहीं लगता। हैरानी वाली गल है कि 1 साल दे विच असीं 60 दिन इलाज देना हुंदा है, और 60 दिन दे इलाज तो पहले पहले ही बच्चे जिहड़े ने उह चल। न्यूजीलैंड तो आया, ये नहीं है कि सिर्फ अपने देश के विदेशों के भी जिहड़ा आया चर्चा जिहड़ी है लगातार हो रही है, क्योंकि कि संत जिहड़ा आ जिन्हें ये प्रण लिया आ कि कोई भी जिहड़ा आ बीमारी जिहड़ा बीमार व्यक्ति जिहड़ा आ उन्हें बीमारी तो मुक्ति दवानी है। गल कर रहे हैं संत जगदीश मुनि दी, जिहड़े कि लगातार जिहड़ा आ सेवा कर रहे ने, पिछले समय काफ़ी वीडियो जिहड़ियां ने उन्हां दियां वायरल भी हुंदियां ने। जिहड़ा एक संत है जिन्हें पूरी दुनिया दे विच एक बीड़ा चक्या आ कि हर कोई जिहड़ा आ निरोगी होवे, भाव कि रोग मुक्त होवे। सब तो पहला तस्वीरां दिखा दिंदा कि छोटे छोटे बच्चे जिहड़े तस्वीरां जे तुहानूं दिखाई दे रहे होणगे जिन्हां नूं कुछ अजिहियां बीमारियां ने जिन्हां नूं डॉक्टरां ने जवाब दे दिता आ, वह भी जिहड़े ने इत्थे इलाज लई पहुँचे हुए ने। सो इस सब दे उत्ते जिहड़ा आ गलबात भी करांगे। तो एक होर जिहड़ा सब तो अहम मुद्दा आ CP, क्योंकि अजकल कोई भी बच्चा जिहड़ा आ जमदा आ कहा जाता है कि उन्हूं जिहड़ी आ CP की बीमारी है। ये आखिर CP की बीमारी है कि ये हुंदी किद्दां आ ते इहदा इलाज की है, सब दे उत्ते गलबात करन वास्ते संत जगदीश मुनि जी जिहड़े ने इस वक्त साडे नाल मौजूद ने। हाँ जी, सत श्री अकाल सारिया संगतां नूं, बहुत बहुत सत श्री अकाल। सर, एक बच्चा जमदा या कहा जाता है जमदे बच्चे नूं बीमारी हो गई CP की बीमारी, ये CP की बीमारी है की है तो क्यों होंदी है, रीजन की है जी? देखो CP की बीमारी जिहड़ी है उहदे वैसे कई कारण ने, जिहड़ा मेजर कारण यह है कि जदों बच्चा पैदा हुंदा है, पैदा होने तो कुछ सैकेंड लई बच्चे नूं जदों ऑक्सीजन नहीं मिलती, मतलब नैचुरल जो ऑक्सीजन है बॉडी के अंदर जिवें बच्चा पैदा हुंदा है वो रोंदा नहीं है, क्योंकि रोना एक तरह का यह कह लो कि गड्डी नूं सैल्फ मारना हुंदा है, क्योंकि बॉडी जिहड़ी है पहले तो मां दे नाल जुड़ी हुंदी है, उहनूं सारा मां दा जो सिस्टम है उहनूं मिल रहा हुंदा है। तो उस तो बाद जदों बच्चा पैदा हो जाता है तां वो बॉडी तो कट हो जाता है, जिवें ही कट हुंदा है तां एक तरह का बच्चा रोंदा है, जिवें एक गड्डी नूं आपां स्टार्ट करदे हां तां एक सैल्फ मारदे हां, सैल्फ जिहड़ा है बॉडी दे इंजन नूं घुमा दिंदा है, उस तरह ही कट तो बाद बच्चा जिहड़ा है वो रोंदा है।
कई बार की होंगे अजक पहले जड़िया पुराने समय से हालांकि वह दाई माई अनपढ़ होंदिया सी पर उन्होंने एक इन्नी नॉलेज होंगी सी कि बच्चा पैदा पहली गल तो नॉर्मल होंदा सी क्योंकि नॉर्मल बच्चा जो पैदा होंदा सी नॉर्मल का मतलब है कि योनी राही बच्चा जो बाहर आता सी तां वो प्रैशर दे नाल आता सी वो इन्ने प्रैशर नाल आता सी कि वो इन्ना क जिन्हों कह दो कि तकलीफ महसूस कर लेता सी कि बाहर आंदिया सारी रो पैंदा सी हुण क्या होंदा है कि बच्चे ओपरेट राही बाहर आते हैं बच्चे का ओपरेट होंदा है उन्हों सीधा ही चक लिया जाता है जो सीधा चक लिया जाता है तो उन्हों कोई तकलीफ होंदी नहीं ना तकलीफ होने करके बच्चा रोंदा नहीं और जो बच्चा रोंदा नहीं तो बॉडी का जिहड़ा इंजन कह लो बॉडी का जिहड़ा सिस्टम कह लो स्टार्ट नहीं होंदा स्टार्ट होने तो पावे है कि बॉडी के अंदर जो साड़ी ब्रह्मंडीय एनर्जी है एनर्जी सिस्टम और जो साड़ी ब्रह्मंडीय ऑक्सीजन है वो बच्चे नू प्रॉपरली जिथे जिथे पहुँचनी चाहिए उत्थे पहुँचती नहीं भाव कि जिहड़ा साड़ा मेन माइंड न्यूरो है माइंड दे विच जदों ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो माइंड और बॉडी दोनों आपस दे विच एक दूसरे तो डिसऑर्डर हो जाते हैं जो डिसऑर्डर हो जाते हैं तो जिन्हें हिस्सों के ऑक्सीजन नहीं जाती है तो वह हिस्से प्रॉपरली तौर पर जोड़ा है वो वर्क नहीं करते और इन्ना भयंकर समा होंदा है वो उन्ना क समा बच्चे का पैदा होंदया ही रोना तो पैदा होंदया ही ना रोना अगर बच्चा रो पैंदा है तो वो बच्चा प्रॉपरली बिल्कुल ठीक होंदा है और जे वो नहीं रोंदा तो ये समझ लो कि सारी उम्र का माँ बाप लई रोना पल्ले पै गया क्योंकि वो जिहड़ा ना रोना बच्चे दे अंदर ऐसे ऐसे सिस्टमां नूं ब्लॉक कर दिंदा है जाम कर दिंदा है डिसऑर्डर कर दिंदा है कि बच्चा पूरी जिंदगी चलण दे विच उठण बैठण दे विच बोलण दे विच देखण दे विच समझण दे विच हर एक दे लई वो जिहड़ा है डिसेबल हो जाता है तो इस तरह का ये रोग है जो कि शॉर्ट दे विच आपां समझिए कि जदों बच्चा नहीं रोंदा और उहदे माइंड दे विच ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तां ये बीमारी पैदा होंदी है और इस संदेश राही मैं मैसेज भी देना चाहवागा खास करके जो साडे अज दे डॉक्टर नर्सस ने जो कि डिलीवरी कराते ने उन्होंने एक गल का खास ध्यान रखना जरूरी है कि जदों बच्चा तुसीं गर्भ दे विच्चों बाहर उठांदे हो तां 5 तो लैके 10 सैकेंड दे तो पहले पहले बच्चे नूं रवाना जरूरी है चाहे वह किसी तरीके नाल रवाया जाए चाहे उन्हूं चांटे मारे जाण चाहे उन्हों किस तरह किया जाए मतलब 5 तो 10 सैकेंड के बच्चा रोना जिहड़ा है वो जरूरी है नहीं तो ये बच्चा जिहड़ा है माँ बाप दे तो पल्ले पएगा ही पएगा दूसरा अजकल जिहड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्नियां भी डिलीवरीज हो रही ने तकरीबन बच्चे जिहड़े ने सीपी नाल ग्रस्त पैदा हो रहे हैं और सीपी नाल ग्रस्त होने का मतलब है कि उस परिवार के अंदर जो आने वाले समय के जो परिवार को संभालने वाला जीव है वो डिसेबल है जदों वो जीव डिसेबल है तो समझ लो सारा परिवार ही डिसेबल है इस करके साडे जिहड़े देश ते और साडे समाज ते साडे परिवारां ते बहुत वड्डा एक खतरा मंडा रहा है कि अगर इस तरह के बच्चे पैदा होणगे तां साडा बहुत वड्डा नुकसान भी हो सकता है बहुत वड्डी और अहम जिहड़ी है गल जिहड़ी है चल रही है क्योंकि डिलीवरी एक अजिहा वक्त आ जिस समय जिहड़ा आ हर एक दा ध्यान हुंदा है और अजकल दे डॉक्टर जिहड़े ने काफ़ी ओपरेट करते हैं जिस तरह कि संत जगदीश मुनि ने दस्सिया किहड़े जिहड़े आपां क्योंकि इत्थे सवाल भी पैदा हुंदा कि किहड़े डिलीवरी दे वक्त जिहड़े आ मेन चीज़ां वल जिहड़ा सानू ध्यान रखना चाहिए ये उत्ते भी आप गलबात कर लेने सर जो डिलीवरी होंगी है सब तो पहला जो जो बच्चा होना होंगे बड़ी उम्मीदा होंदिया ने हर एक ठीक है किड़िया जी मेन मेन चीज़ा जीडिया हर एक ध्यान रखनिया चाहिए ने किस तरीके दे नाल, क्योंकि नैचुरल वे दे नाल, किस तरीके दे नाल बेबी पैदा हो क्योंकि डॉक्टर काफ़ी डरा देंगे ने उस समय सर देखो डॉक्टर मैं एक हाथ जोड़ के बेनती करना चाहवागा कि कदे भी अगर अगर जिहड़ा डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है तो उन्हें नॉर्मल करो कुदरत दे नाल कदे भी छेड़छाड़ जिहड़ा है वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुदरत बड़ी बलवान है जदों आपां जान बुझ के किसी चीज़ नूं छेड़दे हाँ सिर्फ पैसों के लालच पिछे तो आने वाले समय च यही पैसा तुहाडा दुश्मन बन जाएगा सब तो पहली गल ए
सब तो क्योंकि लालच बस हो के ही डॉक्टर जिहड़ा है नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता, वो डरा दिंदा है, मां नूं खतरा है जी, बच्चे नूं खतरा है जी। तो इस तरह की जिहड़ी ये आपां कर रहे हैं, मैं कहना भी तुसीं सीधा ही अगले नूं कह दो भी सानूं इन्ने पैसों की लोड़ है जी, सानूं पैसे दे दो, और असीं जिहड़ा है हालांकि जो कुदरत दा प्रोसैस है, जो नैचुरल प्रोसैस है, कदे भी कुदरत दे नाल कीती हुई छेड़छाड़ आने वाले समय लई उस बंदे लई बहुत वड्डा घातक खतरा बन जाती है। पहला ख्याल तो डॉक्टरों नूं ये रखना जरूरी है। सैकेंडली जो मेन ध्यान रखने वाली चीज़ा कि जिन्ने भी साढ़े सरकारी होस्पिटल ने, सरकारी होस्पिटलों के जिहड़ियां पुरानियां दाइयां माइयां हुंदियां सी वो रजिस्टर्ड ने, तां जदों भी खास करके परिवार के लोग भी ध्यान रखन कि हर एक होस्पिटल दे विच दाई दा रिकॉर्ड हुंदा है, किहड़े पिंड किन्नियां दाइयां जां किहड़े एरिए दे विच, किहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच जां किहड़े पिंड दे विच किन्नियां दाइयां माइयां रहिंदियां ने, क्योंकि उन्हां नूं नैचुरली जिहड़ा क्योंकि वह पुराने टाइम तो बच्चे नूं पैदा करदियां आ रही हुंदियां ने, इस करके बहुत सारिया चीज़ां, बहुत सारिया गल्लां उन्हां नूं वैसे ही उन्हां दे हत्थां दे विच एक यस हुंदा है। दूसरी गल है कि जदों डिलीवरी होवे उस टाइम वो दाई दा मौजूद होना जरूरी है, पहला काम, क्योंकि नवें बच्चे जिहड़े नर्सस ANM GNM सीख रहे ने उन्हां दे पास अजे उन्ना अनुभव नहीं हुंदा जिन्ना एक दाई कोले हुंदा है। तो दाई दा होना बहुत जरूरी है। जदों भी असीं डिलीवरी वास्ते जाइए तां सरकारी होस्पिटल तो सानूं ये रिकॉर्ड मिल जांदा है, बड़ा आसानी नाल उत्थों पुछो कि साडे डिलीवरी होने वाली है, साडे इलाके दे विच कि दाई माई लगती है, उन्हूं नाल लैके जाओ, पहला काम तो ये करना जरूरी है। दूसरी गल यह है कि डॉक्टर जिहड़ा ये ख्याल रखे कि केस जिहड़ा है नॉर्मल होंदा है तो उन्हूं नॉर्मल ही होण दिओ, क्योंकि एक परिवार दे विच जिहड़ा कमाण वाला बच्चा, जिहड़ा पैदा होण वाला बच्चा है, अगर उही डिसेबल होया तो आने वाले समय च, अज तां तुसीं माँ बाप कोलों पैसा ले लिया, माँ बाप ने रोज थोड़ी रहना है, अगे उस बच्चे ने जवान होना है, बड़ा होना है, तो कल नूं तुहाडे कोल पैसा वो कित्थों आएगा, सोचने वाली गल है, वड्डी गल सोचने वाली है, इहदे उत्ते खास ध्यान देण दी लोड़ है कि जिहड़ा माँ बाप अज तो पैसे दे देगा तुहानूं, तुसीं जो भी मरे उहनूं डरा लो चाहे धमका लो कुछ भी कर लो, लेकिन जिहड़ा बच्चा तुसीं गलत पैदा करता, जे हुण मान लो ये बच्चा डिसेबल है, ये लाइफ टाइम तक कुछ ना तो कमाण, ये तो उल्टा माँ बाप के उत्ते बोझ है, तो कल नूं ये जो वो कमाई की आस लैके रहे अगे रीच चला रहे ने ये कित्थों आएगा, कल नूं होस्पिटल बंद हो जाए क्योंकि जिहड़ा ये बीमार होवे चाहे कुछ भी होवे किसी काम का नहीं है, क्योंकि बच्चा डिसेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने सवाल यह भी पैदा होंगे कि सच के उन्ना खतरा होंगे, क्योंकि पुराने समय से देखा जाता है नॉर्मल जी हर डिलीवरी जी नॉर्मल हो जाती थी, पर अजक उधर आधुनिक योग आ डॉक्टर जिन्हें भी आ हर कोई जो छोटे ऑपरेशन वे ऑपरेशन बेबी पैदा हो रहे हैं कि वाला खतरा आ, तो सच के औरत वास्ते खतरा हों जो ये नैचुरल प्रोसैस हों। देखो मैंने डॉक्टरों को पहले रिक्वेस्ट करती, सही सच्चाई मैंने दस दी कि ये पैसा किसी काम आने वाला नहीं है, अगर ऑपरेशन अगर डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है तो कोशिश करो कि डिलीवरी नॉर्मल होवे। अच्छा, कितने परसेंट सर, कितने परसेंट चांस होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी दे? देखो 100 दे विचों 90 जिहड़े केस होंगे ने नॉर्मल ही होने वाले होंगे ने, 10 ये होंगे ने जिवें कई बच्चियां जिहड़े अजकल दियां नौजवान बच्चियां ने जिहड़े फिजिकल वर्क घट करदियां ने, उन्हां नूं इह खतरा हुंदा है कि उन्हां दी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुंदी, क्योंकि उन्हां दे शरीर दे विच जिहड़ी स्टोरेज एनर्जी हुंदी है वो बड़ी घट हुंदी है। जिहड़े बच्चे फिजिकल वर्क करदे ने चाहे किसी भी खेत्र दे विच करदे ने उन्हां नूं कोई खतरा नहीं है, और कई बार डॉक्टर भी ये एक नवां कह दिंदे ने जिवें मान लो गर्भ धारण हो जाता है, डॉक्टर कहिंदे ने हुण तां तुसीं रैसट करो। मैं कहना भी किसी भी बच्चे नूं जदों गर्भ धारण हो जाता है उस तो बाद रैसट करन दी कोई लोड़ नहीं है, 8वें महीने तक उन्हूं फिजिकल वर्क करदे काम जो भी वो काम कर रही है उन्हूं करदे रहना चाहिए, कदे भी छड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम छड़न दे नाल शरीर के अंदर जिहड़ी स्टोरेज एनर्जी है वो ब्लॉक हो जाएगी, और जो बच्चे नूं एनर्जी मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, और जो उन्हें पेन जिवें औरत नूं 2 तरह के पेन जिहड़े ने दर्द जिहड़े ने सहन करन दी कुदरत वल्लों शक्ति उहदे कोले मौजूद है, क्योंकि एक तो जदों मासिक धर्म आता है उदों पेन हुंदा है, दूसरा जदों बच्चा जन्म लैंदा है उदों पेन हुंदा है, वो जिहड़ा पेन है उहदी जिंदगी नूं और निखारन वाला है, उहदे सारे शरीर नूं और हील करन वाला है, अगर वो दर्द मां सहन कर लैंदी है तो सारी लाइफ वास्ते वो भी
अपने जीवन के रोगों तो मुक्त हो जाती है। वो दर्द को सहन करना बड़ा जरूरी है। अगर वही पेन बॉडी के अंदर ब्लॉक हो जाता है तो लाइफ टाइम लिए वो माँ भी बीमार रहती है, कल्ला बच्चा नहीं बीमार रहता। बिल्कुल संजी, अगर डिलीवरी नॉर्मल नहीं होंगी है तो माँ भी लाइफ टाइम लिए किसी ना किसी भयंकर रोग का कारण बन जाती है। बच्चा तो बनता ही बनता है, माँ भी बन जाती है। इस करके 90% जिहड़े केस होंदे ने वो नॉर्मल होने वाले होंदे ने, 10% केस होंदे ने वो क्रोनिक होंदे ने। हाँ ठीक है, उन्हां दा ऑपरेट करो, मैं नहीं कहिंदा ना करो। अगर होने वाला है किसी तरीके नाल कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर का फर्ज बनता है, डॉक्टर का धर्म है सेवा करना, तो वह ऑपरेट करो। लेकिन ऑपरेट करने वेले ये जरूर ध्यान रखो कि बच्चे नूं गर्भ तो बाहर चक्कण वेले उनू तुरंत जिहड़ा है रवाना बड़ा जरूरी है। ये नर्सस भी नोट कर लैन और खास करके जिहड़े परिवार के मैंबर ने उन्हां नूं एक गल का ध्यान रखना चाहिए कि जदों डिलीवरी होने वाली होवे उस टाइम डॉक्टर एक दाई माई एक एक्सपर्ट नर्स जरूर होनी चाहिए है। दूसरा एक या दो परिवार के मैंबर भी कोले होने चाहिए ने, खास करके जिवें लेडीज़ है तो लेडीज़ होवे, पर उस लेडीज़ नूं यह नॉलेज जरूर होनी चाहिए है कि जदों नर्स बच्चे नूं गर्भ तो बाहर उठा रही है तो उनका तुरंत रवाना बड़ा जरूरी है। जेकर वो रवान दे विच असफल हो जाते हैं, मान लो 10 सैकेंड तक बच्चा नहीं रोंदा, तो यह सोच लेना कि तुहानू सारी जिंदगी रोना पेगा क्योंकि वह बच्चा नॉर्मल नहीं रह पाएगा, वो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। और दूसरी गल है, कई बार डॉक्टर कहते हैं इनू आ तकलीफ आ गई, इनू वेंटीलेटर पर रखना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो तो ही वेंटीलेटर पर रखना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि साढ़े को जिन्हें भी केस आए हैं अज तक जिन्हां बच्चों नूं पैदा होने तो बाद वेंटीलेटर दे विच रखिया, वो 100 दे विचों 99 दे 99 ही डिसेबल ने। वो या तो CP नाल ग्रस्त ने, कोई बच्चा DMD नाल ग्रस्त है, कोई बच्चा एक साइड तो पैरालाइज्ड है, किसी नूं कुछ है, किसी नूं कुछ है। उन्हां नूं वो जिहड़ा मशीन दे विच रखण तो बाद तकरीबन बच्चे डिसेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो साड़ी ब्रह्मंडीय नैचुरल ऑक्सीजन है वो 18 जो साढ़े तत् ने जो बॉडी निर्माण करते हैं, बॉडी ग्रोथ करते हैं, वो जिहड़े ने उहदे विच नहीं होंदे। वो सिर्फ ओनली ऑक्सीजन होंदी है, फोकी ऑक्सीजन जिहनूं कह लईए, वो जिहड़ी ऑक्सीजन वो बच्चे नूं जिहड़ा है ज़्यादा समा उहदे अंदर रखण तो बाद वो बॉडी जिहड़ी है किसी ना किसी हिस्से दे विच वो डैमेज हो जाता है और कोई ना कोई हिस्सा जिहड़ा ब्लॉक हो जाता है। इस करके उहदे विच ज़्यादा देर रखण की लोड़ नहीं है। छोटी मोटी कोई तकलीफ है तो हल्का फुल्का माँ का जिहड़ा दुध है वो सब तो बैटर है। बच्चे नूं पैदा होने तो बाद तुरंत माँ का दुध पिलाना सब तो जरूरी है। उस तो बड़ी दुनिया के कोई दवाई नहीं है, किसी वेंटीलेटर ने कुछ नहीं करना, किसी और दवाई ने कुछ नहीं करना। बच्चा पैदा होंदया सारी पहले बच्चे नूं रुआओ और सैकेंडली बच्चे नूं माँ का दुध पियाओ, यही सब तो वड्डा दुनिया का इलाज है। अगर ये इलाज नहीं मिलता तो कुछ भी हो सकता है, अगर ये दोनों इलाज मिलते हैं तो बच्चे नूं कुछ भी नहीं हो सकता। एक सवाल है क्योंकि हर कोई जड़ी है, तुसी पिछले दिन एक वीडियो भी तुहाड़ी वायरल हुई है जिहदे विच तुसी दस्या कि माँ का दुध जिहड़ा आ वो बहुत महत्वपूर्ण है, और तुसी आ भी जिक्र किया कि मैं जिहड़ा आ पहले 10 साल तक जिहड़ा सिर्फ माँ का दुध पीता। जी जी जी, देखो ये वैसे तो चलो एक हादसे वाली भी गल है, लेकिन मैंने दसिया मेरा जिंदगी का अनुभव है कि माँ के दुध तो वधिया दुनिया के कोई दुध नहीं है। चाहे कोई माँ है, चाहे पशु की माँ है, चाहे इंसान की माँ है, चाहे पक्षी की माँ है, चाहे कोई माँ है, माँ तो वधिया दुनिया के कोई दुध नहीं है। इस करके आपकी माँ का दुध पीना ही सब तो बैटर है। मैं नहीं कहता भी किसी पशु का दुध पीता जाए, अपनी माँ का और माँ नूं भी चाहिए कि अपने बच्चे नूं घट्टो घट 5 साल का दुध जरूर पियावे, और जिहड़ा बच्चा 1 साल दुध पींदा है उन्हूं 10 साल तक किसी दवाई की लोड़ नहीं पैंदी, कोई उन्हूं रोग नहीं लगता। और जिहड़ा बच्चा 5 साल दुध पी लैंदा है 50 साल तक उन्हूं किसी डॉक्टर कोले किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पैंदी। माँ के दुध विच इन्नी ताकत होंदी है। कई बार जदों लड़ाई लड़ूई करनी होए जो गल होंदी है ना, कहिंदे आ जा तेरा माँ का दुध पीता है, तो इहदा मतलब की है? जिसने माँ का दुध पीता होंदा उहदे च इन्नी ताकत और इन्नी फुर्ती और इन्नी क्वालिटी होंदी है कि वह किसी भी मुसीबत का, चाहे वह फिजिकल होवे चाहे वह इंटरनल डिजीज़ होवे, उहदा मुकाबला करन दी सब तो वध ताकत होंदी है। इस वास्ते कदे भी मैं नहीं कहिंदा भी किसी पशु का दुध तुसी पीओ,
माँ का दुध पियो, माँ का दुध, माँ भी अपना जोड़ा है बच्चे दुध पियाना जरूरी है। अजक मावं भी जीडिया ने उस दो चार महीने दुध पिया ने, तो उन्होंने बच्चों के हालात देख लो भी किस तरह के ने, होस्पिटल ही तुरिया रिंदियां ने। इस करके बेनती मैं ये करना चाहवागा कि मावं घट्टो घट्ट 5 साल तक अपने बच्चे दुध पियाना जरूरी है। ये 5 साल गैप भी पै जाता है और वह माँ जी है, क्योंकि माँ जदों कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया और कुदरत के सिस्टम के नाल कदे भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, तो घट्टो घट 5 तो लैके 10 साल तक माँ अपने बच्चे दुध पियाना जरूरी लाजमी है। जी हाँ, हुण बेबी पैदा हो जाता है अचानक 10 सैकेंड जिहड़े आ कि कई जिहड़े ने हुण तक गलती कर चुके होणगे, जिहड़े गलती कर चुके होणगे क्योंकि हर डॉक्टरों को बाद विच गए भी होणगे, कहा जाता है कि सीपी जिहड़ी है उहदा इलाज नहीं है किते, तुहाडी इहदा इलाज किद्दां मुमकिन है कि कीड़ियां जिहड़ियां ने तुसीं थैरेपियां जिहड़ियां दिंदे ने जिहदे नाल बच्चे जिहड़े, क्योंकि काफ़ी वीडियो वायरल हुंदियां जिहदे विच बच्चे चलण लग पैंदे ने जिहड़े जिंदगी दे विच कदे चले नहीं सी, कई अलग अलग तरह के करिश्मे जिहड़े ने उह वी जिहड़े ने तुहाडी वीडियो दे विच दिखदे ने, इह सारा कुछ किस तरीके नाल संभव हो सकता? देखो सब तो बड़ी गल हुंदी है त्याग और तपस्या, वो सब तो बड़ी चीज़ हुंदी है, क्योंकि सारे वर्ल्ड नूं पता है कि पिछले 30 सालों तो साड़ी पूरे देश दे विच और पूरी दुनिया तो आके इत्थे इलाज कराते ने, इलाज चल रहा है, और ये दरम्यान असी जो न्यूरो हीलिंग सिस्टम की खोज की है उसदे विच साइंस ने एक न्यूरो ते सर्च की है, असी इहदे नाल 108 जिहड़े ने माइनर न्यूरोज की खोज की है। अगर साडे माइनर न्यूरो दे विच किते भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिवें सीपी दा बच्चा जिहड़ा हुंदा है वो माइंड दी माइंड और बॉडी दोनों आपस दे विच डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो साडे माइंड तो अलावा जिहड़े साडे 108 माइनर न्यूरोज ने उन्हां दे विच जो भी फॉल्ट आता है, तो जो साडी थ्योरी है जो कि नैचुरल साडा प्रोसैस है जो असी खोज की है PRMVTS जो थ्योरी है, उस थ्योरी दे नाल बॉडी और माइंड नूं असी ऑर्डर दे विच कर दिंदे आ। और दूसरा जिहड़ा है सब तो वड्डा हुंदा है त्याग और तपस्या, उहदे विच की हुंदा है कि जो साडी कुदरत है वह कुदरत जदों असी कुदरत दे नाल जुड़ जांदे आ तां उह साडा एक जिवें माँ बच्चे नूं दुध पिया के आपदी सारी ऊर्जा दिंदी है, उसे तरह ही साडा त्याग, साडी तपस्या, साडी सेवा, साडी भगती, ये जो सारी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जिहड़ी है वो ब्रह्मंड दे नाल सानू सीधा अटैच कर दिंदी है। जदों असी ब्रह्मंड दे नाल सीधे अटैच हो जांदे आ तां साडे अंदर जो प्राणिक एनर्जी वर्क करदी है, जो सानू जिंदा रखदी है, जो साडे जिन्ने भी ऑर्गेंज ने जिहड़े कि वर्क करन दे विच कोई किसी तरह का फल्ट महसूस करते हैं, तो वह सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि असी फील किया कि जो असी इलाज करते हैं, जो असी फिजिकल इलाज करते हैं वो बच्चे 10 तो लैके 20% रिलीफ मिलता है, फायदा हो जाता है। और जिहड़ा साडा कौसमिक ब्रह्मंड है उहदे नाल जो ब्रह्मंडीय ऊर्जा है उहदे नाल बॉडी नूं 80 तो लैके 90% फायदा हुंदा है। हुण सवाल यह है भी साइंस इन्नी वध गई और साइंस दे विच इलाज क्यों नहीं है, उहदा मेन कारण है कि डॉक्टर सिर्फ उन्हें पढ़ाई जरूर की है कागजां दे विच, लेकिन उहदी जिंदगी दे विच त्याग तपस्या योग नहीं है। अगर उहदी जिंदगी दे विच इह योग आ जाएगा और वह सीधा डायरैक्ट ब्रह्मंड दे नाल अटैच हो जाएगा, तो उही ब्रह्मंड उहदे हत्थां राहीं रेज़ दे रूप विच जिहड़ा है वह वर्क करेगा और वह भी इस चीज़ नूं ठीक करन दे काबल हो सकते हैं। तो कहने का भाव डॉक्टर एक फिजिकल डॉक्टर है, लेकिन वह अध्यात्मिक डॉक्टर नहीं है। जिन्हें भी साडे महापुरश होए ने, बुद्ध पुरश होए ने, ऐसे 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 आप सुनते ही आ रहे हैं, और उन्होंने जीवन के एक प्रैक्टिकल हुंदा भी उन्होंने हाथ लाया और बंदा चल पिया, मुर्दे खड़े कर देंदे सी, वो गल कोई ये झूठ नहीं है, सच है। क्यों कर देंदे सी? क्योंकि उन्होंने हत्थां राहीं इन्ने क रेज बगदे सी कि मरे हुए बंदे नूं भी वो प्राणिक ऊर्जा दे के, भगवान राम का जिक्र सुने कि उन्होंने जंगल दे विच जदों बनवास दे विच गए सी, उन्होंने पत्थर की एक अहिल्या नाम की औरत सी उन्हूं टच किया रो जिंदा हो गई सी, वो कोई कथा कहानी नहीं है, वो एक सच है, क्योंकि जंगल दे विच रहिंदे हुए भगवान राम दे जीवन दे विच इन्नी क प्राण ऊर्जा सी, इन्नी क शक्ति सी, इन्नी क पावर सी कि उन्होंने जिवें उस पत्थर नूं टच किया और वह जिंदा हो गई और वह चलन लग पई। जे उस समय अहिल्या पत्थर की बनी हुई
चल सकती है। तो अज अगर असी अपने जीवन दे विच योग करिए, साधना करिए, भगती त्याग और तपस्या करिए, तो अज भी मुर्दे चल सकते हैं, कोई बड़ी गल नहीं है। अच्छा, ये इलाज जो सी पी का इलाज है, कितनी देर का इलाज है और कितनी देर जो इलाज कराना पेगा, तो खर्चा कितना हो जाता है सर? इहदा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, नॉर्मली खर्चा होंदा है, क्योंकि असी एक थैरेपी की एक नॉमिनल 30 रुपये चार्ज रखे हुए हैं, और सी पी के बच्चे नूं रोज़ 7 थैरेपी देनी पैंदी है, और कोई ज़्यादा क्रोनिक होए उन्हें 14 देनी पैंदी है, और उस तो भी ज़्यादा जिवें कई बच्चे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं उन्होंने 21 थैरेपी देनी पैंदी है। और हैरानी वाली गल है कि एक साल दे विच असी 60 दिन इलाज देना होंदा है, और 60 दिन दे इलाज तो पहले पहले ही बच्चे जिहड़े ने वो चलन लग पैंदे ने। इस इलाज का सब तो वड्डा गुण है, सब तो वड्डी क्वालिटी है, और 60 दिन कोई बड़ी गल नहीं होंदी। जिस बच्चे ने लाइफ टाइम, मतलब सारी उम्र जिस बंदे ने डिसेबल रहना है, चलना नहीं, फिरना नहीं, सुध बुध नहीं, माँ बाप ते बोझ, उस तो बाद अगे अपनी लाइफ ते बोझ, वो बच्चा अगर 60 दिन के इलाज तो ठीक हो सकता है, तो मैनू लगता है भी इस तो वड्डी दुनिया की कोई साइंस नहीं है। हुण तक किन्ने के बच्चे जिहड़े आ ठीक होए सर? तकरीबन साढ़े को 1600-1700 तो उपर बच्चे जिहड़े ने, 1700 तो वध मेरे ख्याल बच्चे जिहड़े ने वह अपने पैरां ते चलन लग दे काबल हो गए ने, और कई अंडर ट्रीटमेंट चल रहे ने, जिहड़े अंडर ट्रीटमेंट चल रहे ने वह भी बहुत वधिया जिहड़े ने ग्रोथ कर रहे ने। मेरे को सारा रिकॉर्ड है, मैंने आ बुक लाई हुई है, इहदे उत्ते मैं सारयां दा रिकॉर्ड लिखता रहना। आ वेखो, एक एक बच्चे का जिहड़ा है सारयां दा रिकॉर्ड है, जिवें आ बच्चा उमिशा नाम दा गुप्ता दा सी, और विजय गुप्ता उहदे फादर दा नाम है, रामपुर नायका तो आए सी डिस्ट्रिक्ट सिद्धी तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुहानूं इह दिखा दिंदे आ, इह ओह किताब है जिहदे विच हर रोज़ इह बुक दे विच नोट करदे ने, और लगभग जिहड़ा दावा इह है कि 1600 तो लैके 1700 बच्चे इत्थों तक, मतलब इहदे तकरीबन 15 पेज तक इत्थे मैं लिख चुकिया, ये सारा रिकॉर्ड है ए टू जैड, और वो परिवार के माता पिता जो भी है उन्होंने मैं साइन भी नाम भी लिखा लेना, जो जो ग्रोथ हुई, जिमें आ बच्चा हुण देखो दिल्ली तो है मानविक, ये बच्चे नूं क्या सी, ये बच्चे दे एक छोटी जी पूछ सी, और वो पूछ का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन करन तो बाद इहदा नीचे का लोअर पार्ट लैग जिहड़े ने काम करने बंद हो गए, आ निशान देखो, आ निशान है, ऑपरेट किया हो, हालांकि ऑपरेशन ऑपरेट की लोड़ नहीं सी, सिर्फ पैसों के लालच पिछे डॉक्टर ने ऑपरेट करता, यदि लोड़ नहीं सी, अगर वो पूछ रही तो इस बच्चे दी लत्तां नूं कुछ भी नहीं होना सी। ऑपरेट करन तो बाद की होया कि लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों अलग डिसऑर्डर हो गए, माइंड बॉडी तो डिसऑर्डर हो गया, उहदे कारण ये बच्चा जिहड़ा लत्तां दा सिस्टम है वह कम नहीं कर रहा सी। हुण मैंने हुणे दर्ज किया है, पहले से काफ़ी ठीक है, चलने में इंप्रूवमेंट हो गई है, और अपर व लोअर जोड़ा पार्ट है वो कनैक्ट हो गया है, और जो ये जो बॉडी का न्यूरो है वो कनैक्ट हो गया है, हुण इन्हें सही सलामत, ये माता भी बैठी है, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल जी, ये माता कोले ही बैठे ने, ये दिल्ली सोनीपत तो आए ने, सोनीपत है ना, सोनीपत तो माता जी आए, ये इन्हों का बेटा है, और इन्हों का 5वां कैंप है, और हुणे दे नीचे वाला जिहड़ा लत्तां दे विच वधिया इंप्रूवमेंट हो गई, और वधिया ये बच्चा मेरे हिसाब नाल अगली क्लिप बनाउण तो पहले पहले बच्चे नूं मैंने पूरी प्रॉपरली तौर पर चला देना, क्योंकि आ जिहड़ा इत्थों ओपरेट कीता सी, ये ओपरेट करन तों बाद जिहड़ा उपरला साडा रीढ़ जिहड़ा स्पाइनल सी उहदा अलग हो गया, और नीचे वाला अलग हो गया, अगर ये ओपरेट ना हुंदा तां इस बच्चे नूं कुछ भी नहीं होना सी। और मैं डॉक्टर साहब नूं एक बेनती होर भी करना चाहवांगा कि कई बच्चे जदों पैदा हुंदे ने उहनां दी बैक ते एक छोटा जिहा फोड़ा हुंदा है, मैं कहना भी उस फोड़े नूं हाथ जोड़ के बेनती करना चाहवांगा उस फोड़े दा कदे भी ओपरेट ना करन। जिन्ने भी बच्चे ओपरेट कीते ने सारयां दे नीचे वाले पार्ट जिहड़े ने उह ब्लॉक हो चुके ने। एक सरकारी PGI दे विच एक साढ़े कोल हिमाचल तो ने वो सरकारी हॉस्पिटल दे विच लगे ने, उन्हां दे भतीजे का भी उस तरह हो गया, हालांकि उन्होंने मना भी किया भी ना करो, लेकिन डॉक्टर ने डायग्नोज करद्या करद्या उहदा ऑपरेट कर भी दिता, उहदा भी नीचे वाला हिस्सा जिहड़ा उह सही नहीं हो रहा, उह इलाज करवा रहे ने, असीं इलाज कर रहे हां, उस बच्चे नूं भी काफ़ी आराम है, और वो उम्मीद है कि आने वाले समय च वो भी बच्चा ठीक हो जाएगा। तो जिन्हां बच्चों के कई बारी साड़ी जिहड़ी आ बैक है, आ जिहड़ी बैक है, इहदे उपर छोटा जिहा एक फोड़ा हुंदा है,
वो कुदरत वालों होंदा है, उन्हें छेड़न की लोड़ नहीं। माँ बाप नूं मैं बेनती करना चाहवांगा, कई बार की है कि माँ बाप ज़्यादा इमोशनल डॉक्टर नूं कर देंदे ने, इस करके मजबूरन डॉक्टर नूं ओपरेट करना पैंदा है। तो मैं कहना कि इस फोड़े का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चे नूं घट्टो घट 10 तो 15 साल का होण दो, उस तो बाद अगर लोड़ पेगी तो ओपरेट करवा भी सकते हो, नहीं तो उन्हें छेड़न की लोड़ नहीं है, वो बच्चा वैसे ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुहाडी जिहड़ी तुहानू सबनू जिहड़ी गलबात जिहड़ी असीं जरूर कराने आ, क्योंकि इधर उन्हां दी माता जी भी आ और दस्सिया जा रहा है कि जिस समय बच्चा आया सी उदों बिल्कुल भी जिहड़ा आ मूवमेंट नहीं सी करदा, हुण जिहड़ा आ लगातार जिहड़ा चल फिर जिहड़ा आ सकदा है। की नाम है जी तुहाडा? सर मेरा नाम प्रिया मेहता है। हाँ जी, हम सोनीपत से आए हैं जी। और हमको कैंप में आने के बाद बहुत आराम है, हम बहुत इच्छा से आए हैं और हमारा काम भी अच्छा हो रहा है और हम आगे भी आएंगे, हमारे गुरुजी ने सारा काम सिर तक करे हैं। जो कह रहे हैं गुरुजी जो किया वो हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। पहले मेरे बच्चे को चलने में दिक्कत आती थी, पैर से चलने में दिक्कत आती थी, अब 5वां कैंप लगा रखा है, चलने में बिल्कुल ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है और हम आगे भी कोशिश करेंगे, जरूर आएंगे कैंप में अपने। सो तुसीं वेख्या कि किस तरीके दे नाल संत जगदीश मुनि दे इत्थे जिथे कैंप लगता आ उत्थे हज़ारां दी भीड़ पहुँचती है ते बहुते लोग जिहड़े ने ठीक हो जाते ने, ये वो बच्चे भी होंदे ने जो कि बचपन तो ही पहले दिन तो ही जिहड़े ने चल फिर नहीं सकते। तस्वीरां तुहानूं जिहड़ा बाहरलियां भी दिखा दिंदा आ, बाहर जिहड़ा आ तुसीं वेख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा आ इत्थे लगातार जिहड़े ने लोग आउंदे ने और इलाज कराउण वास्ते, तुसीं तस्वीरां 'च वेख सकदे हो कि काफ़ी मात्रा दे विच ने लोग इत्थे बैठे ने और ये वो लोग ने जो आस लैके आए ने काफ़ी दूर तो, और आस है कि उन्होंने बच्चे चलन गए और आप कई होरां दे नाल भी गलबात करांगे। की नाम है जी? हाँ जी, सत श्री अकाल जी, आ जाओ इधर। हाँ जी, हाँ जी, गुरजीत जी। गुरजीत जी कितों आए? लुधियाने तो आए हैं। लुधियाने तो गुरजीत जी आए ने। अच्छा तो इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ जी। हाँ जी, की प्रॉब्लम की सी बच्चे ने? सीपी की प्रॉब्लम ही हैगी। सीपी की प्रॉब्लम, उही गल है जगदीश मुनि जी ने दसिया कि सीपी की प्रॉब्लम हो क्यों रही है, कारण की है, कारण कितने आ, डॉक्टर जड़े ने कितने लालची हो जाते हैं, किड़ा वक्त है जो संभालन की लड़ है, वो वक्त जिस समय एक बच्चा पैदा होना हों उस समय जी अजि कि गलती हो जाती है कि बच्चों लाइफ टाइम दे विच जेड़ा आ चलन दे विच मुश्किल आती है, तो फिर जेड़ा आ जो सारे रस्ते बंद हो जाते हैं, जो सारे रस्ते जेड़े ने डॉक्टर जवाब दे देंगे ने, उस तो बाद इको ही रस्ता बचता आ संत जगदीश मुनि और उत्थे आके जेड़ा आ नीरो हीलिंग दे नाल इलाज कराने वास्ते इत्थे जेड़ा आ हज़ारा की भीड़ जी पहुँचती है, कई मना भी करना पैंदा है क्योंकि जेड़ा आ काफ़ी ज़्यादा भीड़ संभालना भी औखा आ, पर जी उम्मीद है कहिंदे आ उम्मीद करके जेड़ा देशों विदेशों तो हर कोई आ रहा गलबात जी आप कर लें। अच्छा की नाम है जी तुहाडा? गुरजीत कौर। हाँ जी, तुहाडा? प्रीतम कौर। अच्छा रोज़ किन्ने के बच्चे आते हैं तो किन्ने के ठीक होंगे ने? घट्टो घट डेली अज 78-80 बच्चे डेली सुबह आने हैं, वो 12 बजे तक करते हैं, तो शामी फिर बड़िया का इलाज होंगे, गोड्या का होंगे, बैक का होंगे, सर्वाइकल का होंगे। अच्छा किन्निया नूं मना भी करना पैंदा है? मना सिर्फ DMD मना करना पै जाता, क्यों जा कमजोर बच्चे होंगे ज एज छोटी होंगी है उन्होंने तो उन्होंने मना करना पैंदा है, बाकी तकरीबन सारे 95% लीव ही मिलता। अच्छा अच्छा तुसी ठीक होंगे देखे बच्चे इतने? हाँ जी, तुसी देखे जी? हाँ जी। अच्छा अपना जी गलबात जी उन्होंने विचार करेंगे कि ना कि, क्योंकि असी वीडियो जी पहुँचाने का एक मकसद है कि हर एक नाल गलबात करके जोड़ा आ सच्चाई दसीए कि पता लगा उन्होंने कि वीडियो देखी। की नाम है जी तुहाडा? जय प्रकाश। जय प्रकाश जी, हाँ जी, क्या प्रॉब्लम क्या थी और किस लिए आए हैं जहाँ पे? मेरे को बैक पेन है, सर्वाइकल है और लुम्बर में। कैसे पता लगा? YouTube पे वीडियो देखी थी। YouTube से वीडियो देखी थी, अभी जो है इलाज कराना शुरू किया कि नहीं? अभी आज पहला दिन है जी। आज पहला दिन है, हाँ। क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद है यहाँ से ठीक होके जाएंगे। उम्मीद ऑफ ही है जी, इतों ठीक होके जावांगे और पिछे भी तुसी देख सकते हो हर कोई उम्मीद ना बैठा है, एक अजिही उम्मीद है जी एक बार फिर जरा चमत्कार होया है, चमत्कार जरा तो लाइव जरा दिखा रहे हैं और केड़ा बच्चा आ जरा बिल्कुल ठीक होया उस बच्चे वाल जरा असी वध रहे हैं, ये पेरेंट्स जड़े आ उन्होंने। हाँ जी, की नाम है जी? रणजीत कौर। हाँ जी, कितों आए हो जी? असी नूर महल तो। हाँ जी, नूर महल तो। नूर महल तो आए हो, काफ़ी दूर तो आए हो, ठीक है। क्या की होया सी बच्चे नूं? बच्चा बस तुर नहीं लगा सका, अड्डी चुके तुरदा, अड्डी चके तुरदा सी, हुण हुण थोड़ा ठीक है, ठीक है थोड़ा पहले नालों। ये उही बच्चा है जिहदी वीडियो वायरल हुई है जिहड़ा कि हुण चलन लग पिया आ, पहला जिहड़ा कहा जांदा सी कि अड्डी चके चलदा सी, चलन च मुश्किल आंदी सी, अजिहे कई पेशेंट जिहड़े ने इत्थे तुहानू देखण नू मिलणगे, कई कहानियां ने और इक्को ही गल
हर चीज़ के जिस तरह संत जगदीश मुनि जी ने दसिया कि एक चीज़ जी मेन चीज़ एक चीज़ है कि डॉक्टर जो बेबी हों उस समय एक चीज़ पहले 10 सैकेंड जोड़े ने उन्होंने उत्ते ध्यान जरूर देना चाहिए आ अगे गलबात भी करी जावे नाल दी नाल लाइव जो तो अगे लैके जा रहे हैं और तुम देख रहे हो कि किस तरीके दे नाल आस के उत्ते दुनिया कायम है तो इस आस के उत्ते जोड़ा लगातार जोड़े ने अंदर जा रहे हैं और क्या जा रहा कि न्यूजीलैंड तो आए आ ये नहीं है कि सिर्फ अपने देश के विच विदेशों के विच भी जेड़ा आ चर्चा जेड़ी है लगातार हो रही है क्योंकि एक संत जेड़ा आ जिन्हें यह प्रण लिया आ कि कोई भी जेड़ा आ बीमारी जेड़ा बीमार व्यक्ति जेड़ा आ उन्हें बीमारी तो मुक्ति दवानी है चाहे बीमारी कोई भी हो चाहे जिन्ना मर्जी व्यक्ति निराश हो गलबात कर लेने की नाम है जी सुरिंदर सिंह सुरिंदर सिंह जी कदों आए हो जी असी पंज हफ्ते हो गए पंज हफ्ते आए फर्क पिया जी इतने सानू तो पहले कैंप च ही फर्क पै गया से पहले कैंप च फर्क पै गया सी प्रॉब्लम की सी जी साढ़े बच्चे की ऑक्सीजन ब्लॉक होंगी वो खड़ा खड़ा डिग पैंदा सी पिछे नू जंबोर नू दिन दे विच 3-4 वारी डिगदा सी उहदा उत्थे असी इलाज काफ़ी कराया इलाज उन्होंने कोल वर्ल्ड दे विच इहदा इलाज है नहीं सी पीदा तो फिर साड़ी यूट्यूब पर मेरी वाइफ ने देखा सी तो मैं संतां नाल गल कीती तो इन्हां नू बीमारी का पता सी की आ तो इन्होंने फिर कहा कि बेटा जी आना पेगा इलाज हो जाएगा असी पहला कैंप लाया से बुढ़लाडा आखिरी उत्थे भी डिगया 2-3 वारी पर आखिरी दिन डिगनों हट गया हुण 5-4 वीकां हो गई एक बार भी नहीं डिगया है बिल्कुल बिल्कुल बहुत वड्डी गल कर रहे हैं 4 वीकां हो गई हुण नहीं डिगदा क्योंकि ऑक्सीजन घट जाती सी क्योंकि बॉडी दे विच ऑक्सीजन जिहड़ी है बेहद जरूरी है और जो ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाती है कई बार इहो जिहे हादसे भी हो जाते हैं पर जदों दा इत्थे इलाज लैना शुरू किया न्यूजीलैंड तो आए ने वो ठीक होना जिहड़ा आ शुरू हो गया आ और कि होर भी लोगों को जो मैसेज देना चाहोगे कई लोग जो निराश हो जाए असी उन्होंने यही कहेंगे कि थोड़ा जिगरा रखो लेके आओ बच्चों को वर्ल्ड के इलाज है नहीं साढ़े वर्ल्ड के न्यूजीलैंड के पूरे डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस होंगी 6 महीने बाद जी जी किसी को भी यदा कोई इलाज नहीं उदो वधिया इलाज कितने भी है जाके दसोगे जी बिल्कुल क्यों नहीं जी क्यों नहीं बिल्कुल 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 क्योंकि हमेशा जेड़ा है ना किया जाता है जिते आस है और आस के उत्ते जी दुनिया कायम है और एक बार तस्वीर जड़िया ने इधरलिया भी दिखा रही जिते इलाज चल रहा है और हर जगह के उत्ते लगातार सवेर तो लैके शाम तक जोड़ा आ इलाज किया जाता है तस्वीर से तुम वेख सकते हो कि किस तरीके के नाल जोड़ा आ न्यूरो हीलिंग सिस्टम के नाल जोड़े आ जोड़े आस छड चुके होंगे उन्होंने जोड़ा आ एक बार फिर जी आस पैदा होंगी है व्डिया व्डिया बीमारिया तो जी है राहत मिलती है और नाल दी नाल गलबात कर लेने हैं हाँ जी जी की नाम है जी पवन जी हाँ जी पवन जी किन्ने के जड़े व्यक्ति आ रोज़ आते हैं और केड़ी केड़ी जड़ी बीमारियां जड़ी प्रमुख होंदिया ने 300 तो 350 डेली पेशेंट आ रहे ने जी ज़्यादा बच्चे आ रहे ने गोडे बच्चे आ रहे ने सीपी बच्चे बिल्कुल उही गल ए भी उही गल कर रहे ने कि सीपी हुणे जगदीश मुनि जी ने दस्या कि सीपी दे पेशेंट है गलती की दी सी डॉक्टर दी वो 10 सैकेंड जड़े ने पहले महत्वपूर्ण ने क्योंकि अज दी सारी वीडियो जड़ी है सीपी नाल रिलेटेड है अगर तुहाडे भी जड़ा है किसी बच्चे की डिलीवरी है तो यह ध्यान जरूर दो कि पहले 10 सैकेंड जड़े ने वो महत्वपूर्ण ने बिल्कुल जी सही बिल्कुल बिल्कुल जी क्योंकि वो माइंड च ऑक्सीजन ही पूरी होंगी उहदे नाल बच्चा डैमेज हो जाता बस इन्नी खेड जी हाँ माइंड दे विच ऑक्सीजन नहीं पूरी होंगी और उहदे करके जिहड़ा आ उहनूं रोना पै जांदा आ पूरी लाइफ दे विच इस तो अलावा किहड़े किहड़े इलाज ने जिहड़े तुसीं करदे नॉर्मल जर्नल आ रहे ने गोड्यां दे पेशेंट काफ़ी आ रहे ने कमर दे आ रहे ने सर्वाइकल दे आ रहे ने इत्थे कमर दे ज़्यादा ने कमर दे ज़्यादा ने इत्थे बिल्कुल बिल्कुल बैक पेन क्योंकि काम बिल्कुल बिल्कुल बैक पेन क्योंकि काम ज़्यादा करते हैं बैक पेन होंगी है तो नैचुरल पैथी तो अलावा जो वधिया जो इलाज कोई हो नहीं सकता सो तुसी बने